नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन माइगेल लेसियोडोरा के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निवास रूप से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन माइगेल लेसियोडोरा, क्यूबा की काली मकड़ी, ब्लैक क्यूबन स्पाइडर के सिम्टम। माइगेल लेसियोडोरा औषधि कई प्रकार के कीड़े मकोड़े के जड़ से बनाई जाती है। यह नर्तन रोग यानी वह रोग, ऐसा रोग जिसमें रोगी पागल होकर नाचने लगता है, इस तरह के रोग को ठीक करने में काफ़ी उपयोगी औषधि है। नर्तन रोग जब बहुत अधिक खतरनाक रूप धारण कर लेता है तो चेहरे की पेशियों में फड़कन होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसी अवस्था में रोगी का उपचार करने के लिए माइगेल लेसियोडोरा औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। माइगेल लेसियोडोरा औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को रोग को ठीक करने में काफी उपयोगी है, जैसे मन से संबंधित लक्षण। जब रोगी को नर्तन रोग हो जाता है तो उस समय रोगी की हालत पागलों की जैसी हो जाती है, उसे बेचैनी भी होती है, मृत्यु का डर लगने लगता है तथा अधिक निराशा हो जाती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए माइगेल लेसियोडोरा औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। चेहरे से संबंधित लक्षण, शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव तथा ऐंठन होने लगती है, मुंह तथा आंखें कम खुलती और बंद होती है, चेहरा गर्म और दमदमाया हुआ सा लगता है, जीभ सूखी और झुलसी हुई लगती है तथा कठिनाई के साथ बाहर निकलती है, और उसके साथ ही सिर के एक तरफ के हिस्से में झटके के साथ दर्द होता है, और रोगी रात के समय में अपने दांत को पीसता रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए माइगेल लेसियोडोरा औषधि का उपयोग करना चाहिए। आमाशय से संबंधित लक्षण, रोगी का जीव मिचलाता है तथा आंखों की देखने की शक्ति भी कम हो जाती है, भूख नहीं लगती है, अधिक प्यास लगती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए माइगेल लेसियोडोरा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पुरुष संबंधित लक्षण, पुरुष रोग, रोगी के लिंग में अधिक उत्तेजना होना तथा उसके साथ ही लिंग में दर्द भी होता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए माइगेल लेसियोडोरा औषधि का उपयोग करना फायदेमंद होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, शरीर के कई अंगों की चाल धीमी हो जाती है तथा अंगों में कंपन भी होने लगता है, अंगों में फड़कन होने लगती है, बाहों तथा पैरों की गति सुस्त हो जाती है, कभी कभी तो रोगी अपने पैर को घसीट कर चलता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए माइगेल लेसियोडोरा औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। संबंध, रिलेशन, जीजिया तथा एगरिकस और कुछ गुणों की तुलना अब माइगेल लेसियोडोरा औषधि से कर सकते हैं। वृद्धि, एग्रेवेशन, सुबह के समय में रोग लक्षणों में वृद्धि होती है। शमन, एमेलियोरेशन, नींद के समय में कुछ लक्षण नष्ट होने लगता है। मात्रा, माइगेल लेसियोडोरा औषधि की 3 से 30 शक्ति तक का प्रयोग रोग लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। आपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।